बॉलीवुड और दोस्ती, ये रिश्ता हमेशा से कमाल का रहा है और इसी रिश्ते के बारे में आज हम बात करेंगे। इस लिस्ट में हम देखेंगे टॉप 10 मूवीज ऑन फ्रेंडशिप। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू नंबर 1 फिल्म। तो इस लिस्ट में नंबर 10 पर है ये जवानी है दीवानी। आयन मुखर्जी डायरेक्टर इस फिल्म ने अपने पूरे लाइफ टाइम में बेहतरीन कलेक्शन किया था और आज भी इसके गाने लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद है। तो अब हम देखेंगे नंबर 9 फिल्म। नंबर 9 पर है जाने तू या जाने ना। इसे डायरेक्ट किया था एक डिब्यूटेंट डायरेक्टर ने, फिर भी ये फिल्म कमाल की थी। इस फिल्म में हमें इमरान खान और जेनेलिया साथ नजर आए थे। उनके शुरुआती दौर की ये फिल्म थी, पर फिर भी उनका परफॉर्मेंस लाजवाब था। फिर हम देखेंगे नंबर 8 पर। नंबर 8 पर है कुछ कुछ होता है, 90s की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था करण जौहर ने। इस फिल्म ने हमें काजोल, रानी मुखर्जी और शाहरुख साथ में नजर आए थे और इस फिल्म ने हमें एक आइकॉनिक डायलॉग दिया था, दोस्ती प्यार है। आगे जाते हुए हम देखेंगे नंबर 7 फिल्म। नंबर 7 पर है दोस्ताना, एक टैबू सब्जेक्ट पर बनी फिल्म जिसे भी प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने। वाकई इसका सब्जेक्ट बहुत ही कम लोगों को अपील कर रहा था, पर फिर भी इसने अच्छे फुटफॉल्स अपने पूरे लाइफ टाइम में गैदर किए। तो देखेंगे आगे नंबर 6 फिल्म। नंबर 6 पर है कल्ट क्लासिक फिल्म आनंद। आनंद फिल्म में हमें दो बिगेस्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा साथ नजर आए थे, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन। राजेश खन्ना का इस फिल्म में किया गया काम वाकई इमॉर्टल। फिर देखेंगे नंबर 5 फिल्म शोले। अगेन एक अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने अपने पूरे लाइफ टाइम में 15 करोड़ से ज़्यादा टिकट बेची थी, जिसका रिकॉर्ड शायद ही कोई फिल्म कभी तोड़ पाए। फिर देखेंगे नंबर 4 फिल्म। नंबर 4 पर है रंग दे बसंती, एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म जिसमें हमें कई सितारे नजर आए थे, बाद में जाके ये स्टार्स सुपरस्टार। ये फिल्म आज भी अपने ग्रीटिंग स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग के लिए याद की जाए। फिर हम देखेंगे नंबर 3 फिल्म। नंबर 3 पर है एक आमिर खान स्टार दिल चाहता है। दिल चाहता है में हमें आमिर के साथ नजर आए थे सैफ अली खान और अक्षय खन्ना। इसमें हमें डिम्पल कपाड़िया भी एक खास रोल में नजर आई थी। इन सभी के कामों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था और इस फिल्म को मॉडर्न इरा क्लासिक करके कहा जाता है। एक नए दौर की शुरुआत इस फिल्म ने 2001 में की। फिर आते हैं हम टॉप 2 पे। नंबर 2 पर है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई, एक राजकुमार हिरानी क्लासिक फिल्म जिसने लोगों को हंसाया रुलाया और बहुत कुछ सिखाया। इसमें संजू बाबा और अरशद वारसी की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा पसंद की गई थी उस वक्त। फिर हम देखेंगे नंबर 1 फिल्म। तो नंबर 1 पर है 3 इडियट्स। अगेन एक राजकुमार हिरानी की फिल्म जिसे कई कारणों के लिए याद किया जाता है, इसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और परफॉर्मेंस। बट एक चीज़ जिसके लिए ये फिल्म इमॉर्टल हो गई वो थी इसमें फरहान, रैंचो और राजू की दोस्ती। इस फिल्म ने दोस्तों और दोस्ती की डेफिनेशन ही बदल दी थी। ये फिल्म अपने दोस्ती के लिए हर उस लिस्ट में आएगी जिसमें बात करी जा रही है हिंदी फिल्मों की और हिंदी फिल्मों में दोस्तों की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।